मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं, वहीं सियासत मुनव्वर राणा के तालिबान प्रेम को लेकर भी जारी है। बीजेपी ने जहां राणा पर तीखा हमला किया, वहीं शिवराज ने दो टूक कहा है कि मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं और इस भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये पूरा वाकया मुहर्रम के दौरान खजूर वाली मस्जिद के पास का है, जहां पर्व में इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ में से कुछ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई और करीब 15 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान के हमदर्द ही नहीं, इन दिनों तालिबान के कद्रदानों की भी कमी नहीं है। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा का पाकिस्तान प्रेम के बाद अब तालिबान प्रेम भी सामने आया है। देखिए तालिबान तो बुरा लफ्ज नहीं है, तालिबान अच्छा लफ्ज है। तालिबान का मतलब होता है जो आम जबान में कहा जाता है पढ़ने वाले या स्टूडेंट। तो उन्होंने इस तालिबान लफ्ज में तो कोई बुराई नहीं है, तालिबान में क्या बुराई है भाई। अगर हालांकि मुनव्वर राणा के इस बयान का बाकी लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, खुद शायरों की जमात में भी इस बयान की निंदा हो रही है। 30 करोड़ मुसलमान में एक मुनव्वर राणा को छोड़कर बाकी 30 करोड़ मुसलमान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी क्या डिसीजन लेंगे, हमारी हुकूमत क्या डिसीजन लेगी, वो तालिबान के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, उनको अप्रूवल देगी या नहीं देगी। हम तो उन हुकूमत के साथ हैं, हम अपने आइन के साथ हैं, हम अपने संविधान के से बंधे हुए लोग हैं और अपने मुल्क के वफादार हैं। मैं समझता हूँ कि एक बार मैंने कहा था कि शाहरुख खान ने जब और आमिर ने जब कहा था कि मुझे डर लगता है, तो मैंने कहा था वो भोपाल तशरीफ ले आए, मेरे घर में रहें, मुझे तो कहीं कभी डर नहीं लगता हिंदुस्तान में। अगर मुनव्वर राणा को ऐसा लग रहा है तो वो किसी कोठरी में बंद हो जाएं और वहां जाके बैठें। मौत से कोई नहीं डरता, मौत तो कहीं भी आ जाएगी, किसी भी वक्त आ सकती है, तो फिर किस बात का डर है। और तालिबान से उनको कैसी मोहब्बत आई, क्यों आई, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। सिर्फ मंजर भोपाली ही नहीं, दूसरे शायर भी मुनव्वर राणा के ऐसे बयानों को अफसोसजनक बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उस बयान में कोई सदाकत है, बहुत कमजोर बयान है। कुछ मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अब ना हमसे पूछिए जंगो जदल करता है कौन, अब ना हमसे पूछिए जंगो जदल करता है कौन, इश्क वालों से मोहब्बत आजकल करता है कौन, इश्क वालों से मोहब्बत आजकल करता है कौन। उस खुदा की रहमतों को मान लेना चाहिए, मुश्किलें जब सर पे पड़ती हैं तो हल करता है कौन। उधर उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारों के बीच सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि उनके यहाँ तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, उज्जैन में जो घटना हुई है हमने सख्त स्टैंड लिया है, लोग गिरफ्तार किए गए, तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम है वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान में न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की जड़ें भी बेहद मजबूत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रूर तालिबान और दुश्मन पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने वाले देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।